जरा सोचिए, दिन के उजाले में आप घर में ना हो, आप घर में ताला लगा कर गए हो, ये सोच कर कि ताला लगा है मतलब मेरा घर पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन नहीं, चोरों के लिए ताला कौन सी बड़ी चीज है। ये सीसीटीवी फुटेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा हर एक व्यक्ति चोर है, वो भी दिन दहाड़े एक घर में ताला तोड़ कर घुसे हुए है और सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। सपनों की नगरी मुंबई से होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में चोरों की घटनाओं ने नागरिकों में बेहद दहशत का माहौल है। चोरों के लिए घर का ताला तोड़ना, घर में घुसना, घर का सामान तोड़ना और ढेर सारा सोना चांदी पैसा और जेवर ले जाना कितना भयानक है। चोरों ने इतनी चोरी करने की हिम्मत की कैसे? क्या उन्हें पुलिस का डर नहीं है? इस मौके पर ऐसे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीबीडी बेलापुर में दो दिन पहले चार घरों में चोरी हुई है। इस घटना के बारे में ये पता चला है कि इस घर में चोरी कर चोरों ने लाखों का कीमती सामान लूट लिया। जहां चोरों ने सोने के जेवरात से हाथ साफ कर लिया है, ऐसे में उन्होंने चांदी के जेवर और पैसे भी लूट लिए। इसमें विदेशी मुद्रा के नोट भी शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब चोरी करते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। सीसीटीवी कैमरे में उनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों पर नजर रख रही है। इस संबंध में सीबीडी बेलापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि नवी मुंबई में चोरी का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। कुछ दिन पहले पुलिस ने एक चोर को हथकड़ी लगा दी थी। ये चोर बड़ा ही डरावना था। वो नवी मुंबई की सड़कों पर नंगे कपड़ों में घूमता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।